भारत में बदलाव धीमा है क्योंकि लोग परंपराओं में डूबे हुए हैं और उचित शिक्षा का भी अभाव है। आपके पास ऐसे राजनीतिक नेता हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, मुझे खेद है, लेकिन मैं बाहर जाकर ये फिर से कहूंगी, देश पर नेताओं का शासन है। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके पास सही नजरिया भी नहीं है, जो मुझे लगता है कि ये शिक्षा की कमी के कारण है। ये बयान है बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल का, जो खुद स्कूल से ड्रॉप आउट हैं और पति अजय देवगन ग्रेजुएशन करके गुटखा बेचकर देश को बता रहे हैं बोलो जुबा केसरी। लेकिन जो जुबा काजोल ने खोली है, ऐसा लग रहा है वो जुबा विपक्ष के किसी सीएम के एजेंडे को बढ़ाने के लिए है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, कहानी का शीर्षक है चौथी पास राजा। किस किस ने सुनी हुई है? चौथी पास राजा, ये कैसे, ये कहानी ये दिखाती है कि कैसे अगर किसी देश में कोई अनपढ़ राजा आ जाए तो वो देश का बेड़ा गर्क कर देता है। ये एक महान देश की कहानी है, ये एक ऐसे राजा की कहानी है जो राजा भ्रष्टाचारी था, अनपढ़ था, अहंकारी था, और उसने कैसे उस महान देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये चौथी पास राजा की कहानी, ये अनपढ़ पीएम बताने की चढ़ी खुमारी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जुबानी आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसी एजेंडे को कुछ बॉलीवुडिया गैंग बढ़ाने में लग गए हैं और भारतीय नेताओं को कम पढ़ा लिखा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में बदलाव धीमा है क्योंकि लोग परंपराओं में डूबे हैं। सोचिए, परंपराओं की बात कौन कर रहा है? बॉलीवुड। वो बॉलीवुड जिसके संस्कारों और परंपराओं को देख लिया जाए तो शर्म आ जाए। वो बॉलीवुड जो देश की नस्लों को बर्बाद करने में सबसे आगे है। वो बॉलीवुड जिसमें शराब और ड्रग्स का बोलबाला है। तो सुनिए काजोल मैडम, परंपराएं किसी को भी मजबूत बनाती हैं, दृढ़ निश्चयी बनाती हैं और समृद्ध बनाती हैं। हाँ, वो परंपराएं क्रूज की ड्रग्स पार्टी, गुटखा बेचकर जुबा केसरी वाली ना हो तब। बाकी रही इस देश के नेताओं को अनपढ़ बताने वाली बात, तो ये भी सुन लीजिए मैडम काजोल, इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी की डिग्रियां उठाकर आप देख लेंगी तो पता चल जाएगा इस देश के नेता कितने पढ़े लिखे रहे हैं। बाकी किसी सीएम के एजेंडे को अगर आप आगे बढ़ा रही हैं और चौथी पास राजा वाली कहानी आपको भी पसंद आ रही है, जिसके बाद आप मौजूदा सरकार के नेताओं को कम पढ़ा लिखा बताने का प्रयास कर रही हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। याद ना रख पाए तो कोई कागज कलम ले लीजिएगा और लिखते चलिएगा, ताकि आगे से बयान देने से पहले पढ़ लेंगी तो बेहतर रहेगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी BA MA, राजनाथ सिंह BSc MSc भौतिकी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर BSc MA डबल, MPhil, PhD, पूर्व राजनयिक IFS, अमित शाह बायोमेट्रिक में BSc, निर्मला सीतारमण BA MA MPhil, नितिन गडकरी BCom LLB, पीयूष गोयल BCom LLB CA, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे MA PhD BHU से, अर्जुन मुंडा BA PG डिप्लोमा, ज्योतिरादित्य सिंधिया BA हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MBA स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, धर्मेंद्र प्रधान मानव विज्ञान में मास्टर डिग्री, अश्विनी वैष्णव BTech, MTech IIT, MBA USA से, पूर्व IAS, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार MA अर्थशास्त्र और PhD, डॉक्टर मनसुख मंडाविया MA PhD, भूपेंद्र यादव BA LLB, स्मृति ईरानी BCom ड्रॉप आउट, किरेन रिजू BA LLB, गजेंद्र सिंह शेखावत दर्शन शास्त्र में MA PG, पूर्व सिविल सेवक, नारायण राणे हाई स्कूल, पुरुषोत्तम रूपाला BSc BEd, नरेंद्र सिंह तोमर स्नातक, सर्वानंद सोनोवाल BA LLB BCJ, गिरिराज सिंह स्नातक, हरदीप सिंह पुरी BA MA, पूर्व राजनयिक IFS, पशुपत कुमार पारस स्नातक, प्रहलाद जोशी BA, अनुराग ठाकुर BA प्रादेशिक सेना में कैप्टन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह MBBS MD मेडिसिन, फेलोशिप मधुमेह, मानद PhD स्टेनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु, एम्स नई दिल्ली सरकारी मेडिकल से शिक्षा, जनरल विजय कुमार सिंह सेवानिवृत्त,
PhD मानव संसाधन के प्रशिक्षण और विकास में PG डिप्लोमा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से मास्टर ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज की शिक्षा प्राप्त की। अर्जुन राम मेघवाल BA, MA, LLB, MBA, पूर्व सिविल सेवक, मीनाक्षी लेखी BSc ऑनर्स LLB, डॉक्टर संजीव कुमार बालियान पशु चिकित्सा विज्ञान में MB, SC, PhD, पशु चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान में, अनुप्रिया पटेल BA, MBA, डॉक्टर सतपाल सिंह बघेल LLB, MSc, PhD, अजय भट्ट BA, LLB। PM मोदी से लेकर उनके कैबिनेट के अधिकतर मंत्रियों की पढ़ाई लिखाई का ये पूरा ब्यौरा रहा। ये देखने के बाद शायद काजोल को समझ आ जाए कि कितने पढ़े लिखे हैं इस देश के राजनेता। बाकी इससे भी अगर काम ना चले तो BJP के कुछ मुख्यमंत्रियों की भी पढ़ाई लिखाई काजोल को जरूर जान लेनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ गणित में BA, हिमंता बिस्वा सरमा BA गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून में स्नातक, पुष्कर सिंह धामी लखनऊ विश्वविद्यालय से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन में ग्रेजुएशन, यहीं से LLB भी की। शिवराज सिंह चौहान दर्शन शास्त्र में MBA, गोल्ड मेडलिस्ट। ये देखने और सुनने के बाद काजोल को बकायदा समझ आ जाएगा कि इस देश के नेता कितने पढ़े लिखे हैं और जो सत्ता में है उनकी काबिलियत क्या है। शायद यही वजह है कि काजोल ने अपने बयान पर माफी भी मांग ली और एक ट्वीट करते हुए लिखा, मैं केवल शिक्षा और इसके महत्व के बारे में बात कर रही थी। मेरा इरादा किसी भी राजनीतिक नेता को नीचा दिखाना नहीं था। हमारे पास कुछ महान नेता है जो देश को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। फिलहाल काजोल ने माफी तो मांग ली, लेकिन उन्हें कुछ भी बोलने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा पढ़ लिख कर जुबान खोलनी चाहिए ताकि फजीहत के बजाय उनके लिए सब कुछ जुबा केसरी हो।